आपको मॉड्यूल 3 का डाइजेशन टाइट्रेशन बता रहे हैं। तो आप देखिए डाइजेशन टाइट्रेशन में क्या होता है ना, ये इसका प्रिंसिपल में रहेगा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ऑफ द सैंपल एंड सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट टुगेदर इन एन एसिडिक मीडियम टू यील्ड अ डाइजोनियम साल्ट। डाइजेशन टाइट्रेशन को हम सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन या नाइट्राइट टाइट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सोडियम नाइट्राइट एज ए टाइट्रेंट यूज़ होता है। आप इसके रिएक्शन देख सकते हैं, RnS2 प्राइमरी एमीन प्लस NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और Rn2Cl डाई एजो साल्ट प्लस NaCl प्लस H2 होती है। Rn2Cl इज द डाई एजो साल्ट। यहाँ पे सल्फोनामाइड का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, NaNO2 प्लस HCl, तो देखिए HNO2 बनेगा प्लस NaCl। नेक्स्ट स्टेप में आपका सल्फोनामाइड प्लस HNO2 रिएक्ट कर रहे हैं लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, और आपका देखिए डाइजोनियम साल्ट प्लस वाटर। द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड आइदर बाई यूजिंग एन एक्सटर्नल इंडिकेटर और बाई एन इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। यहाँ थ्योरी में देख सकते हैं भाई, सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है, NaNO2 प्लस HCl, NaCl प्लस HNO2। नाइट्रस एसिड फॉर्म्स अ डाइजोनियम साल्ट बाई रिएक्टिंग विद द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। जैसे देखिए यहाँ नाइट्रस एसिड है HNO2, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से रिएक्ट करके डाइजोनियम साल्ट बनाता है। एग्जाम्पल जैसे RnH2 प्लस HNO2, RN2Cl प्लस H2O। यहाँ पे एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए जनरली हम ब्लू कलर लेते हैं, जो कि स्टार्च आयोडाइड पेपर का यूज़ करते हैं। इसमें ये रिएक्शन होती है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, Ki+HCl, KCl प्लस HI और 2HI+HNO2, I2+2NO+2H2O, ये आयोडीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप देख सकते हैं ये जो आयोडीन होगा, जब स्टार्च म्यूसिलेज के टच में आएगा देन ब्लू कलर एंड पॉइंट विल बी डिटेक्टेड। यहाँ पे देखिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बीकर, ये देखिए 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मैग्नेटिक स्टीरर और 1.5 वोल्ट ड्राई सेल, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एंड गैल्वेनोमीटर, और एक आपका ब्यूरेट। यहाँ देखिए एक सेटल इसका सेटअप है डाइजेशन टाइट्रेशन का, यहाँ ब्यूरेट है। अब देखिए इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, 0.5 ग्राम सल्फोनामाइड प्लस 20 ml HCl प्लस 50 ml वाटर, इसको 15 डिग्री सेल्सियस पर कूल करेंगे, फिर इलेक्ट्रोड्स डिप करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, वोल्टेज रहेगा 50 mV का, और एट द एंड पॉइंट NaNO2 इज प्रेजेंट इन स्लाइट एक्सेस अमाउंट, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर डिपोलराइज, करंट फ्लो होगा, नीडल्स फॉर परमानेंट डिफ्लेक्शन। तो ये आपका डाइजोटाइजेशन एपरेटस में ये होगा। इसके बाद आपका पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो यहाँ देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, पॉइंट टू डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरफेनरामीन, डिटर्मिनेशन ऑफ डोपामीन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोकेन, डिटर्मिनेशन ऑफ इफेड्रिन। तो आप यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले तो प्रिपरेशन ऑफ 0.1 mg NaNO2 सोल्यूशन एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 mg NaNO2 सोल्यूशन विद सल्फोनिलामाइड। यहाँ देखिए हम 7.5 ग्राम NaNO2 लेंगे, इसको डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे और वॉल्यूम मेडअप करेंगे 1 लीटर। इसके बाद जो आपका NaNO2 प्लस HCl, HNO2 प्लस NaCl बनेगा नाइट्रस एसिड, और दिस नाइट्रस एसिड विल रिएक्ट विद द सल्फोनिलामाइड टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट। और ये सब ये लेकर के आप एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज़ करेंगे, और ये कैलकुलेशन से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन में ही यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीडर इसमें देखेंगे, तो इसमें वही सेम जो हमने रिपीट किया, 0.5 ग्राम सल्फानीलामाइड प्लस 20 ml HCl प्लस 50 ml डिस्टिल वाटर, कूल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन आइस बाथ, फिर एबो सोल्यूशन टाइड विद NaNO2 सोल्यूशन। और डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स के लिए 1 mg आप सल्फोनामाइड लेंगे प्लस 4 ml कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस 10 ml डिस्टिल वाटर, कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस, एबो सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 mg NaNO2 सोल्यूशन, एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाई स्टार्च आयोडाइड पेपर विच गिव्स ब्लू कलरेशन। और ये फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ सल्फर ड्रग्स के लिए, परसेंटेज ऑफ सल्फर ड्रग्स इज इक्वल टू VmEw/W×10, वी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यानी कि NaNO2 का, एम मोलैरिटी ऑफ टाइट्रेंट यानी NaNO2 का मोलैरिटी, EW इक्विवेलेंट वेट ऑफ ड्रग एंड W इज द वेट ऑफ सैंपल। तो ये आपका डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी ग्रेविमेट्री के साथ, और हमारा चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी कमेंट होते हैं आप लिखिए, ताकि हम और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।